हेलो हाय लर्नर्स, हाउ आर यू ऑल? आई रियली होप सो आप सब एकदम फिट फाइन एंड हेल्दी होंगे। सो सुपर लर्नर्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 4 क्लाइमेट। बिफोर स्टडिंग द क्लाइमेट चैप्टर, जरा सा हम वेदर और क्लाइमेट को समझते हैं। क्लाइमेट का चैप्टर तो पूरा है, बट ये वेदर और क्लाइमेट है क्या? क्या ये दोनों एक है या फिर अलग अलग है? तो इसे हम जरा सा समझ लेते हैं। देखो, जब मौसम बदलता है विद इन अ मिनट या विद इन अ आवर, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? वेदर। कैसे उसे हम लोग क्या कहते हैं? वेदर। जैसे ही आप फोन में अपने टेम्परेचर को चेक करोगे कि अभी का टेम्परेचर क्या है, तो इट विल शो कि 29 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस, 32 डिग्री सेल्सियस। तो ये आपका क्या है? ये चेंज होते रहता है विद इन अ मिनट या फिर आवर के हिसाब से ये चेंज होते रहते हैं। और क्लाइमेट आपका क्या है? एटमोस्फेरिक। ये लॉन्ग टाइम के लिए जब चेंज होता है या फिर लॉन्ग टाइम में चेंज होता है, तो उसे हम लोग कहते हैं क्लाइमेट। क्लाइमेट इज जस्ट एंड जो वेदर आपका, वी कैन से कि वेदर का जो एक रेंज है वो आपका क्लाइमेट हो गया। ओके, तो आई होप सो आपको यहां तक समझ में आया होगा। काफी बेसिक सा है, इसे बताना बहुत ही इंपॉर्टेंट था। सो बच्चा पार्टी, आप लोग को ये तो पता है कि टेलीग्राम पे ही आप लोग के नोट्स मिलेंगे। सो टेलीग्राम चैनल अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है क्लास 10th के लर्नर्स, तो प्लीज ज्वाइन टेलीग्राम चैनल शुभम झा क्लास 10। एंड वन मोर थिंग एंड इम्पॉर्टेंट, दैट इज कि आप लोग को ये तो पता है कि हमारा वेबसाइट लॉन्च हुआ है। ओके, एंड वेबसाइट पे क्लास 9th और क्लास 10th के बच्चों, आप लोगों का नोट्स, लेक्चर्स, क्विज, ये सारी चीजें ऑलरेडी है। तो आप लोग ने अगर अपने आप को अभी तक रजिस्टर नहीं किया है, तो प्लीज गो एंड विजिट इट। एक बार मैं आप लोगों को अच्छे से बताती हूँ। जब तुम लोग सर्च करोगे, लाइक आप लोग को लिंक दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में, एक बार जाना, वेबसाइट का लिंक दिया गया है। आप लिंक पे क्लिक करोगे तो वेबसाइट पे आप ऑलरेडी ओपन हो जाओगे। यहाँ पे आपको क्लास 9th और क्लास 10th बोथ स्टैंडर्ड्स के दिखेंगे। आप एक मिनट, यहाँ पे आप देख रहे होगे कि क्विज भी लिखा हुआ है, क्लास भी लिखा हुआ है, नोट्स भी है, अकाउंट भी है। देखो, क्विज के सेक्शन पे जब आप जाओगे तो क्लास 9, क्लास 10 के बच्चों, जितनी भी चीजें आपको पढ़ाई गई है, चैप्टर वाइज आपका क्विज मेंशन है वहाँ पे। ओके, एंड क्लास वाइज आप कैटेगराइज कर सकते हो, लाइक कि क्लास 10th के अगर आप बच्चे हो तो क्लास 10th में आप जा सकते हो, क्लास 9th के अगर आप बच्चे हो तो क्लास 9th में जा सकते हो। देन लाइक यहाँ पे क्लास, आप जैसे ही क्लिक करोगे क्लास 9th या क्लास 10th पे, आप जो भी स्टूडेंट हो आप वहाँ पे क्लिक कर सकते हो, नोट्स आपको यहाँ पे भी मिल जाएंगे। ओके, एंड अकाउंट, मतलब जब तक अगर आप न्यू हो तो आपको अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जब आप जैसे ही रजिस्टर करोगे तो वहां पे आप देखोगे कि क्या कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए गए। लाइक आपको साइंस पढ़ा दिया गया है, ऑलमोस्ट सिलेबस आपका कंप्लीटेड है, लाइक 9th का तो फुल्ली कंप्लीटेड है और 10th का भी ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है। हिस्ट्री आपको रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, हिस्ट्री के जो जो भी आपके लाइक चैप्टर नंबर 1, 2 ऑफ हिस्ट्री, तो वो लोड होते जा रहा है, उसका भी क्विजेस आपको मिल जाएंगे। ज्योग्राफी भी आपको जो जितने भी चैप्टर पढ़ा दी गई है वो ऑलरेडी वहां पे है, एक बार जाओ और विजिट करो। नेक्स्ट इज लाइक जैसे ही आप क्लिक करोगे हिस्ट्री पे, हिस्ट्री पे जैसे ही आपने क्लिक किया तो हिस्ट्री के जितने भी लेक्चर्स है, वन शॉट में लेक्चर्स है, वो आपको दिख जाएंगे यहाँ पे। यहाँ पे चैप्टर नंबर 1, 2, 3 आपको जो भी पढ़ा दिया गया है, पॉलिटिक्स चैप्टर नंबर 1 और 2 ऑलरेडी है। वॉच नाउ पे आप क्लिक करोगे, वॉच नाउ पे आप जैसे ही क्लिक करोगे आपका वीडियो ओपन हो जाएगा एंड यू कैन वॉच देयर। नेक्स्ट जो है आपके ज्योग्राफी के भी पढ़ा दिए, लाइक आज आपका जो लेक्चर है चैप्टर नंबर 4, ये भी आपको अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। जैसे ये लेक्चर कंप्लीट होगा, आप जब वेबसाइट पे जाओगे तो ऑलरेडी आपको दिखा दिया जाएगा। वॉच नाउ पे क्लिक करोगे तो आपको वहां पे शो हो जाएंगे। नेक्स्ट इज लाइक साइंस के, आप देख रहे हो साइंस 1 का ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है क्लास 10। एंड क्विज, अब आप देखो यहाँ पे लाइक ग्रेविटेशन पे, वॉच नाउ पे क्लिक करोगे तो आपका वीडियो ओपन हो जाएगा। ठीक है, बट जैसे ही आप क्विज पे जाओगे और अपनी क्लास के लाइक क्लास 10th में आप क्लास 10th को क्लिक करोगे तो आपके चैप्टर वाइज यहाँ पे क्विजेस बनाए गए, लाइक 20 चैप्टर का आपका क्विजेस बनाया गया है। तो आप जब चैप्टर पढ़ लोगे तो आपके क्वेश्चंस भी आपको दिखेंगे एंड यू कैन जस्ट आंसर द क्वेश्चन देयर। आप वहां पे क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। अपने आप को रजिस्टर कर लो ये सारे प्रोसीजर को फॉलो करने के लिए, लाइक अपना नेम, लास्ट नेम, यूजर नेम। हाँ, वन मोर थिंग, ये आप यहाँ पे आप देख रहे होगे
कि यूजर नेम देखो, जैसे अभी मेरा नाम नीलिमा रॉय है, ठीक है, तो NILIMA स्पेस छोड़ते हैं, फिर उसके बाद रॉय लिखते हैं, ठीक है, बट यूजर नेम में आपको ऐसा नहीं करना है, आपको कोई भी स्पेस नहीं डालना है, ठीक है, लाइक NILIMA अगर रॉय भी लिखना है तो ROY साथ में ही आपको लिखना है, स्पेस नहीं डालना है। ईमेल आप अपना डाल देना, पासवर्ड डाल देना एंड कंफर्मेशन पासवर्ड डाल देना, ठीक है। फिर आपका जो यहाँ पे लाइक एंड वन मोर थिंग, पासवर्ड जब आप डालने के लिए जाओगे ना तो कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर एंड नंबर, ये सारे चीजों का कॉम्बिनेशन करके पासवर्ड क्रिएट करना। लाइक न्यू पासवर्ड आप क्रिएट करोगे तो कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर एंड नंबर का कॉम्बिनेशन करके आप पासवर्ड क्रिएट करोगे। आई रियली होप सो आपको समझ में आ गया होगा कैसे क्रिएट करना है, क्विजेस को सॉल्व करना है, चैप्टर्स को वॉच करना है तो वॉच नाउ पे क्लिक करो, वीडियोज ओपन हो जाएंगे, ठीक है। चलो तो अब हम लोग अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लाइमेट। तो एक प्यारी सी बच्ची है जिसका नाम है चिंकी। तो चिंकी ने अपने मैम को पूछा कि मैम हमें ये चैप्टर में क्या पढ़ना है, वेदर के बारे में पढ़ना है, क्लाइमेट के बारे में पढ़ना है, किसके बारे में पढ़ना है। तो मैम ने इसे कहा कि बच्चा हमें क्लाइमेट पढ़ना है, वेरियस टाइप्स का जो क्लाइमेट है उसके बारे में पढ़ना है। बट चिंकी ने कहा कि किसके बारे में, क्लाइमेट तो ठीक है बट कहाँ का क्लाइमेट, किसका क्लाइमेट। तो एज वी ऑल नो क्लास 10 के ज्योग्राफी के बुक में दो कंट्रीज के बारे में ही मेंशन हुआ है, एक आपका ब्राजील और एक है आपका इंडिया। ये दोनों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि ब्राजील का क्लाइमेट कैसा है और इंडिया का क्लाइमेट कैसा है, इन दोनों का डिफरेंस क्या है, इनमें वेरियस टाइप्स ऑफ क्लाइमेट क्या क्या है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखने वाले हैं ब्राजील, और ये रहा आपका ब्राजील का मैप। सो ब्राजील एक्सपीरियंस वाइड रेंज ऑफ क्लाइमेटिक वेरिएशन इन द क्लाइमेट बिकॉज ऑफ वास्ट लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। क्योंकि ब्राजील का लार्ज लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है जिसकी वजह से वहां पे क्या होते रहते हैं, क्लाइमेटिक वेरिएशन होते रहता है, मतलब वहां पे क्लाइमेट चेंज होते रहता है। वेदर तो विद इन अ मिनट आवर चेंज होता है, बट क्लाइमेट भी वहां पे जल्दी जल्दी वाइड रेंज पे चेंज होते रहते हैं। नेक्स्ट इज कि ब्राजील गेट रेनफॉल फ्रॉम द साउथ ईस्ट ट्रेंड विंड एंड द नॉर्थ ईस्ट विंड। अभी क्यों, कहां से, ये देखो ब्राजील का यहाँ पे देख रहे होगे कि ब्राजील के जितने भी विंड ब्लो होके आ रहे हैं वो किस साइड से आ रहे हैं, तो वो है आपके साउथ ईस्ट ट्रेड से आ रहा है, साउथ ईस्ट ट्रेड एंड नॉर्थ ईस्ट ट्रेड से आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपके क्या है, नॉर्थ एटलांटिक ओशियन है आपका एंड यहाँ पे आपके साउथ अटलांटिक ओशियन है, जिसकी वजह से आपके जो ब्राजील में विंड ब्लो हो रहा है ये ओशियन से हो रहा है ब्लो, एंड कौन से साइड से, नॉर्थ एंड साउथ से, इसलिए ब्राजील में रेनफॉल जो फॉर्म होता है बनता है विंड जब ब्लो होके आता है साउथ ईस्ट ट्रेंड से एंड आपके नॉर्थ ईस्ट ट्रेंड से, क्योंकि ये ईस्टर्न पार्ट है ये आपका वेस्टर्न पार्ट हो गया, ये नॉर्थ पार्ट ये साउथ पार्ट, तो ये पार्ट में क्योंकि ओशियन है जिसकी वजह से विंड ब्लो होकर के आ रहा है और उस एरिया में रेनफॉल ज्यादा हो रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि ब्राजीलियन पार्ट हाईलैंड एक्सटेंड अप टू नॉर्थन कोस्ट, मतलब नॉर्थन साइड में कोस्ट ज्यादा वहां पे है, कोस्टल एरिया वहां पे ज्यादा फॉर्म्ड है क्योंकि वहां पे नॉर्थ अटलांटिक ओशियन है। ब्राजीलियन के जितने भी हाईलैंड्स है वो फॉर्म्ड कहाँ पे है, आपके नॉर्थ कोस्ट एरियाज में। ग्रेट एस्कार्पमेंट पाया गया है आपके इज एन ऑब्स्ट्रक्शन टू द विंड ब्लोइंग फ्रॉम द सी एंड कॉज अ ओरोग्राफिक टाइप ऑफ रेनफॉल इन दी कोस्टल एरिया। एक्चुअल में क्या हो रहा है, देखो ग्रेट स्कार्पमेंट हमने देखा था फिजियोग्राफिक ड्रेनेज में आपके ब्राजील में, एक यहाँ पे देखो तुम लोग ऐसे यहाँ पे क्या हो रहा है, पूरा पानी है, ठीक है, लाइक ओशियन है आपका। अब ओशियन से जितने भी विंड ब्लो होकर के आ रहे हैं नॉर्थ ईस्ट से एंड आपके साउथ ईस्ट से, तो क्योंकि यहाँ पे हाईलैंड है और ग्रेट स्कार्पमेंट है, मतलब वहां पे
अब डेप्थ ज्यादा है और यहां से पानी फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे आके विंड क्या कर रही है, टकरा जा रही है। तो विंड जब वहां पे टकरा जाएगी तो जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि रेनफॉल ओरोग्राफिक टाइप ऑफ रेनफॉल वहां पे होता है। कैसा होता है? ओरोग्राफिक रेनफॉल टाइप वहां पे कोस्टल रीजन में होते हैं। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। इसकी वजह से वहां पे रेनफॉल किस कैसे होते हैं, मिनिमल में होते हैं, ज्यादा नहीं कम में होते हैं वहां पे, मिनिमाइज में वहां पे, हाईलैंड्स पे, बिकॉज ऑफ हाईलैंड, हाईलैंड की वजह से मिनिमल मतलब मिनिमम में रेनफॉल वहां पे होता है, क्योंकि हाईलैंड्स है। आप यहाँ पे देख रहे हो, लाइक आप देख रहे हो यहाँ पे हाईलैंड माउंटेन्स है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, वाटर है। अब ये वाटर का विंड ब्लो होकर के आएगा, विंड ब्लो होकर के आएगा तो यहाँ पे ये टकरा जाएगा। अब जब ये टकराएगा तो यहाँ पे रेनफॉल फिर कैसे होगा, रेनफॉल फिर कैसे होगा, तो वो तो ऑप्टिमली क्या हो जाएगा, कम होने लगेगा रेनफॉल। ओके, तो हाईलैंड इज द रीजन एंड ऑल्सो द ग्रेट एस्कार्पमेंट इज द रीजन। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। सो दैट्स व्हाई दिस एरिया इज अ ड्रॉट कोऑर्डिनेटरल, इसलिए इस एरिया को क्या कहते हैं, हम ड्रॉट कोऑर्डिनेटरल कहते हैं। नेक्स्ट वन इज, ये प्यारा सा बच्चा सोच रहा है कि व्हाट शुड बी दी टेम्परेचर ऑफ ब्राजील, ब्राजील का टेम्परेचर क्या होगा, गर्मी होगी, ठंडी होगी, कितनी टेम्परेचर होगी। तो ब्राजील के जो नॉर्थन पार्ट है ना बच्चा, वो आपके बहुत ही हॉट पार्ट है। क्यों पता है? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि यस वहां पे ओशियन है, बट फिर भी हॉट रीजन वो क्यों है, क्योंकि विंड ब्लो होकर के आ रहा है ओशियन से, रेनफॉल होने की संभावनाएं हैं, बट ग्रेट आपके जो स्कार्पमेंट है एंड ऑल्सो जी हाईलैंड है, वो ऑब्स्ट्रक्शन, वो सबसे बड़ा ऑब्स्ट्रक्शन है, जिसकी वजह से वहां पे क्या हो जा रहा है, रेनफॉल मिनिमल हो जा रहा है। इसकी वजह से आपका नॉर्थन पार्ट क्या है, काफी हॉट है। एंड टेम्परेचर जो आपके साउथन पार्ट में है वो कंपेरेटिवली क्या है, लोअर है। मतलब जैसे आपके नॉर्थ पार्ट में ज्यादा गर्मी है तो साउथ में थोड़ा कम है, क्योंकि वहां पे ग्रेट स्कार्पमेंट मतलब स्कार्पमेंट कम है एंड ऑल्सो आपके हाईलैंड वहां पे लो है। सो नेक्स्ट इज द मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द कंट्री लाई इन द ट्रॉपिकल जोन। वहां पे वो जो ब्राजील की जो कंट्री है वो लाए ऑलमोस्ट होती है ट्रॉपिकल जोन के पास, इसलिए हम कहते हैं कि एवरेज टेम्परेचर जो आपके अमेजोन वैली का है वो कितना है, 25 to 28 degrees Celsius, 25 degrees to 28 degrees Celsius। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं द कोस्टल एक्सपीरियंस माइल्ड एंड ह्यूमिड क्लाइमेट बिकॉज ऑफ अप्रोक्सीमेटली टू द सी, क्योंकि वहां पे सी, अब कोस्टल एरिया है, ठीक है, अब कोस्टल एरिया यहाँ पे विंड ब्लो करके आ रही है, बट वो हाईलैंड से टकरा रही है, बट फिर भी क्या हो रहा है, वहां पे माइल्ड और ह्यूमिड क्लाइमेट है, क्योंकि उसके ही आसपास विंड ब्लो हो करके रुक जा रहा है, वो आपके हाईलैंड के बाहर नहीं जा पा रहा है। इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ऐसी एरियाज के पास माइल्ड एंड ह्यूमिड क्लाइमेट पाया जाता है ब्राजील में। द अमेजोन वैली रिसीव अराउंड 2000 mm ऑफ रेनफॉल, 2000 mm का रेनफॉल पाया जाता है आपके अमेजोन वैली में, एंड नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट रिसीव 1000 to 1200 mm ऑफ रेनफॉल। अमेजोन वैली में कितने एमएम का रेनफॉल होता है, तो 2000, एंड नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में, दैट इज नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो इस साइड साइड में जो आपके बारिश पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं 1000 to 1200 mm। नेक्स्ट, चलो आई होप सो यहां तक आपको समझ में आया होगा, ब्राजील पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं इंडिया के बारे में। इंडिया का सी क्लाइमेट कैसा है, एक्चुअल में इंडिया का क्लाइमेट मानसून पाया जाता है, इंडिया का क्लाइमेट मॉनसून होता है। आप अगर गूगल पे सर्च करोगे तो क्लाइमेट क्या है, तो क्लाइमेट आपका दिखाएगा कि एटमोस्फेयरिक जो चेंज होता है ये एक पैटर्न को, वेदर के पैटर्न को फॉलो करता है, और ये वेदर का पैटर्न जो फॉलो होता है ऑलमोस्ट आपके 30 ईयर्स तक, तो 30 ईयर्स का जब एवरेज पाया गया तो इंडिया में पाया जाता है कि क्लाइमेट इंडिया का कैसा है, मॉनसून है, ठीक है, वेदर नहीं पूछा है, क्लाइमेट। सो चलिए अब हम लोग देखते हैं, जरा सा समझते हैं इसे। ये देखो एज वी ऑल नो कि ये हमारा अर्थ है, ठीक है, अर्थ का सबसे जो मिडिल पार्ट है उसे हम इक्वेटर कहते हैं, इक्वेटर से जो अपर पार्ट है उसे हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, इक्वेटर से
जो नीचे का पार्ट है उसे हम लोग कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, एंड आपके जो नॉर्थन पोल है उसे हम लोग वहां पे क्या है आर्टिक सर्कल है, एंड आपके जो साउथन पोल है यहाँ पे क्या है एंटार्क्टिक सर्कल है। सन का रेज डायरेक्टली फॉल होता है कहाँ पे, इक्वेटर पे फॉल होता है, ठीक है। इक्वेटर पे जब ये फॉल होगा दैट मीन्स उस रीजन में क्या होता है सबसे ज्यादा गर्मी होगा इक्वेटर, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस पे है। So, sun rays perpendicular up to the Tropic of Cancer, which passes through the middle of the country. हमारे कंट्री के बीचों बीच से क्या पास हुई है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पार्ट पास हुई है, मतलब इस पार्ट में कहीं ना कहीं हमारी कंट्री पाई जाती है। इसकी वजह से हम क्या कह सकते हैं इस पार्ट में, इसकी वजह से हम क्या कहते हैं कि हमारी कंट्री के मिडल में क्या पास हुआ है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास हुआ है। अब जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास हुआ है तो उस एरिया में लाइक इंडिया है ये, ठीक है, तो इंडिया के बीच में क्या पाया गया है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पाया गया दैट मीन्स वहां पे सन रेज डायरेक्टली क्या हो रही है, फॉल हो रही है। अब ये फॉल होने की वजह से जैसे ही आप नॉर्थ साउथ साउथ में जाओगे लाइक ये हो गया नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, जब आप नॉर्थन साइड जाओगे लाइक हिमालयाज जम्मू एंड कश्मीर, जब आप हिमाचल प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर साइड जाओगे तो वहां पे आप ठंडी पाते हो। रीजन क्या है ठंडी पाने का, क्योंकि वहां पे डायरेक्टली सन रेज फॉल नहीं होता है। वही आप कच्छ साइड चले जाओ, गुजरात कच्छ एंड ऑल्सो आपके राजस्थान, यहाँ पे क्या होता है डायरेक्टली, क्योंकि ये मिडिल ऑफ द अर्थ के बीच में, मिडिल ऑफ द इंडिया के बीच में है, तो यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर फॉल होता है, एंड यहाँ पे गर्मी इसलिए ज्यादा होती है यहाँ पे डायरेक्टली सन रेज क्या होता है फॉल होता है। फिर आप जैसे ही साउथ साइड में जाओगे तो यहाँ पे हाई डेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रे पाया जाता है। ओके, ये आपको ऑलरेडी बता दिया गया पहले भी, तो फिर से मैं आपको ये चीज रिपीट की। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। सो एज द रिजल्ट एवरेज टेम्परेचर आर हायर थ्रू आउट द ईयर, इसलिए कहते हैं कि हर बार मतलब टेम्परेचर जो पाया गया है वो हायर पाया गया, क्योंकि मिडिल ऑफ द अर्थ के क्या हो रहा है कैंसर पास हो रही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और अपर में क्या है हाई डेंसिटी के क्या है विंटर्स पाए जाते हैं नॉर्थन एरिया में, लो डेंसिटी के, लो डेंसिटी के। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अल्टीट्यूड। ये अल्टीट्यूड क्या होता है, अल्टीट्यूड एक्चुअल में आपका हाइट माना जाता है, आपके सी सरफेस से लेकर के अबव तक का मतलब स्काई लेवल तक का जो आपका है वो उसे हम लोग क्या कहते हैं अल्टीट्यूड। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो प्लेन जा रही है ऊपर से, ठीक है, और ये आपका समुद्र सी, अब इसके बीच का क्या हाइट उसे हम लोग क्या कहते हैं अल्टीट्यूड कहते हैं। So, the diversity in the climatic condition of India is due to the latitudinal location and the altitude of the place. क्यों इंडिया में क्लाइमेटिक डाइवर्सिटी क्यों होते रहती है, उसका रीजन क्या है लैटिट्यूडनल लोकेशन है एंड ऑल्सो आपके एल्टीट्यूड ऑफ द स्पेस है, एल्टीट्यूड ऑफ द स्पेस है। नेक्स्ट इज एल्टीट्यूड और लॉन्गिट्यूड को एक बार फिर से देख लो, ये जो आपके एल लाइक जो सोया हुआ है ये आपका लैटिट्यूड है, ठीक है, लेटा हुआ, एंड ये जो आपका स्टैंडिंग में है ये आपके जो इसे क्या कहते हैं लॉन्गिट्यूड कहते हैं। अपर आपका नॉर्थ पोल हो गया, ये दोनों नॉर्थ एंड साउथ में आपका बॉटम में क्या है पोल है। हमेशा लैटिट्यूड कैसा रहता है पैरेलली रहता है, एक दूसरे के पैरेलल रहता है, बट आपके लॉन्गिट्यूड कभी भी पैरेलल नहीं रहते हैं, पैरेलल नहीं रहते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इंडियन ओशियन एंड द हिमालयन रेंज, ये सबसे बड़ा ग्रेट इन्फ्लुएंस है किसका, क्लाइमेट चेंज होने का इंडिया में, क्योंकि साउथ साइड में क्या है साउथ में आपका इंडियन ओशियन है और अपर में क्या है भाई अपर में आपका क्या है हिमालय है, तो जिसकी वजह से इंडिया में जो आपका मॉनसून का जो माहौल रहता है ना, मॉनसून पाया गया है क्लाइमेटिक रीजन, ये दो सबसे बड़े कारण है लाइक इंडियन ओशियन एंड द हिमालय, ये दो सबसे बड़ा आपका कारण है, ठीक है, इन्फ्लुएंस ये करते हैं क्लाइमेट को इंडिया में मॉनसून को क्रिएट होने के लिए, क्योंकि यहाँ से विंड ब्लो होके जाएगा, ये पूरे एरिया तक विंड ब्लो होगा और यहाँ पे एरिया ऑलरेडी ठंडा रहता है, माउंटेन रहता है, तो यहाँ पे जब ये जाके टकराएगा तभी तो बारिश होना शुरू हो जाएगा, बारिश होगा तो आपके पूरे रीजन में यहाँ पे बारिश हो रही है। वही अगर हिमालय मिडिल पार्ट में रहता तब आपके अपर पार्ट में मॉनसून नहीं होता, क्योंकि विंड टकरा के बाहर जाता तभी तो वो तब नहीं होता, विंड टकरा के वापस आ गया तब जाकर के मॉनसून का सीजन आया, दैट मीन्स रेनफॉल हुआ। ब्राजील में क्या होता था, ब्राजील में आपके नॉर्थन पार्ट में ही क्या है आपके
ओशन भी है एंड यहाँ पे हाईलैंड भी है, जिसकी वजह से विंड ब्लो होकर के आ रहा है बट ये टकरा के फिर से चला जा रहा है। तो यहाँ पे बारिश सी के सी में ही हो जा रही है, ठीक है, आपके इस साइड नहीं आ पा रही है। ओके, इसलिए आप देखते होंगे कि नॉर्थ ब्राजील के नॉर्थ में आपका जो रेनफॉल है वो कितना है, 1000 to 1200 mm। बट इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में हिमाचल हिमाचल सबसे ऊपर है हिमालय, एंड आपके नॉर्थ इंडियन ओशन सबसे बॉटम में है, जिसकी वजह से मिडल जो पूरा इंडिया है वहां पे बारिश होना की संभावना ज्यादा हो रहता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज एवरी कोल्ड विंड ब्लोइंग फ्रॉम दी नॉर्थ आर ऑब्स्ट्रक्टेड बाई द हिमालय। जब भी कोई भी विंड ब्लो होता है आपके नॉर्थ साइड से तो आपका क्या होता है, हिमालय सबसे बड़ा ऑब्स्ट्रक्शन है, सबसे बड़ा ऑब्स्ट्रक्शन है। चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट इज सिमिलरली द साउथ वेस्ट मॉनसून रिट्रीट फ्रॉम द शिवालिक एंड हिमाचल रेंज ऑफ द हिमालयस। सबसे बड़ा जो आपका कह सकते हैं रिट्रीटमेंट होते रहता है मॉनसून सीजन का साउथ ईस्ट से, साउथ ईस्ट से यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे अरेबियन सी भी है और इंडियन ओशियन भी है, तो साउथ ईस्ट से वो होते रहता है आपके शिवालिक और हिमाचल रेंज में, शिवालिक एंड हिमाचल रेंज में। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया, आई रियली होप सो कि यहाँ तक आ गया होगा, इंडिया और ब्राजील का हमने देखा है। चलो नेक्स्ट पॉइंट जो आपका आता है, इट इज मोर इन द कोस्टल एरियाज बिकॉज द ऑब्स्ट्रक्शन कॉज्ड बाय द ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न पार्ट। ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न पार्ट मतलब आपके ईस्ट और वेस्ट, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल दोनों क्या है, आपके सी है, ठीक है, वहां से क्या होता है विंड ब्लो होकर क्या रहा है, ये सबसे बड़ा ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है बारिश होने का। ठीक है, क्योंकि वहां पे कोस्टल एरियाज है ना, तो वहां पे बारिश ज्यादा होगा, वहां पे कोई हाईलैंड नहीं है तो विंड टकराएगा कैसे। ठीक है, तो यही रीजन है कि बारिश होती है ये वेस्टर्न और ईस्टर्न रीजन में। देन द रेनफॉल रिड्यूस इन द लेवर्ड साइड ऑफ द हिल एज वेल एज द रिजल्ट रेनफॉल इन द लो पार्ट ऑफ गुजरात एंड राजस्थान। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है हमारे मिडल ऑफ द इंडिया एंड जिसकी वजह से गुजरात और राजस्थान में बहुत कम बारिश होती है, क्योंकि आपके जितने भी वेस्टर्न के लाइक क्योंकि ये जो पड़ जाता है आपका नॉर्थ साइड में, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट वेस्टर्न और वेस्टर्न में, तो नॉर्थ वेस्टर्न में उस साइड में ना सी है और हिमाचल इस साइड में है, ठीक है, तो बीच में स्पेस मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पे कोई भी बारिश ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि ये ऑलमोस्ट आपका ह्यूमिड क्लाइमेट यहाँ का रहता है। ठीक है, तो एक बार मैप देख करके ये सारी चीजें जब आप पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो अब हम लोग देखते हैं एज द इंडिया द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास थ्रू द मिडल ऑफ द इंडिया दिस कंसिडर्ड एज द ट्रॉपिकल रीजन। यहाँ पे आप देख रहे हो मिडल ऑफ द अर्थ इंडिया के क्या पास हो रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसकी वजह से हम क्या कहते हैं कि ये एक ट्रॉपिकल रीजन है। इंडिया में काफी नेचुरल डिजास्टर्स आते रहते हैं लाइक आपके इरेटिक रेनफॉल एंड ड्रॉट ऑल्सो, मतलब बहुत ज्यादा ही बारिश अगर होती है तो बहुत ज्यादा बारिश की वजह से जितनी भी फसल हुई है एग्रीकल्चर हुआ है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। ड्रॉट कभी कभी बारिश जो जगह पे होती ही नहीं है लाइक राजस्थान एंड आपके गुजरात साइड पंजाब, कभी कभी हो जाता है बारिश नहीं होती है एंड ज्यादा मतलब अब बारिश नहीं हो रहा है तो एग्रीकल्चर कैसे होगा, जिसकी वजह से ड्रॉट कॉर्डिलेटर हो जाता है, ड्रॉट होता है बंजर जमीन बन जाती है। ऑल्सो जैसे महाराष्ट्र साइड में बहुत वेस्टर्न साइड महाराष्ट्र वहाँ पे बहुत बारिश होता है, ठीक है, विंड फ्लो होता है तो उसकी वजह से आपका साइक्लोन आने के चांसेस वहाँ पे ज़्यादा रहता है। ऑल्सो आपके फ्लोड्स आते रहते हैं इंडिया में, इंडिया का ये नेचुरल डिजास्टर्स है ये आते ही रहते हैं। सो कोई मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा, जितने भी बच्चे ये वीडियो देखे कमेंट करके जरूर बताना कि इंडिया का सीजन, इंडिया में कितने सीजन्स हैं। कैन एनीवन टेल मी द सीजन्स ऑफ द इंडिया, क्या कोई बता सकता है इंडिया का सीजन्स के बारे में, कमेंट में जरूर बताना। सो क्लाइमेट सीजन्स क्या क्या है इंडिया का, समर मानसून स्प्रिंग एंड ऑल्सो आपके कोल्ड, ये सारी चीजें आपकी क्या है सीजन्स है इंडिया, कमेंट में जरूर बताना। यहाँ पे मैंने आपको बताया भी है बट फिर भी अगर आपने पहले कमेंट कर दिया तो वेल एंड वेरी गुड। चलो तो यहाँ आपके चैप्टर होते हैं समाप्त और ये रहे आपके कुछ क्वेश्चंस लाइक ब्राजील गेट रेनफॉल फ्रॉम डैश ट्रेड विंड नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट एंड दी नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट एंड दी नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड दी साउथ नॉर्थ वेस्ट एंड दी साउथ ईस्ट
ऑप्शन क्या है, ऑप्शन जो भी आंसर है आपके आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डैश एक्ट एज एन ऑब्स्ट्रक्शन टू द विंड ब्लोइंग फ्रॉम सी इन द ब्राजिल, हिमालयस, स्कार्पमेंट, एंडीज और द वेस्टर्न घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एवरेज टेम्परेचर इन द एमेजॉन वैली इज डैश 15 डिग्री सेल्सियस टू द 20 डिग्री सेल्सियस, 13 डिग्री टिल द 15 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस टिल द 32 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस टिल द 28 डिग्री सेल्सियस। कमेंट में आंसर को बताना है। जो भी बच्चे वीडियो को अच्छे से देखे हो आंसर तुम लोग जरूर बता दोगे। आई रियली होप सो तुम लोग को समझ में आ गया होगा। एंड बच्चा पार्टी, ज्योग्राफी का हमने चैप्टर नंबर 2, 3 और चैप्टर नंबर 4 हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट चैप्टर आपका हिस्ट्री से आएगा, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 4 को हम लोग बाद में कभी कर देंगे। ओके, एंड अगर अभी तक आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना एंड वेबसाइट को विजिट करना, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साइंस का ऑलमोस्ट चैप्टर आपका कंप्लीट है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज जा करके देख लो, सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है एंड हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी का भी सून आपका कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइब कर देना, शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच।